इसराइल हमास युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर। इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने कहा है कि यह लड़ाई अभी रुकने वाली नहीं है। नेतन्याहू ने फ्रंटलाइन से ऐलान कर दिया है कि वो आतंकी गतिविधियों को खत्म करके ही दम लेंगे। इसराइल ने एक बार फिर से कहा है कि उत्तरी गाजा पट्टी से आम लोग दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो जाएं। सैनिकों के बीच पहुंचे इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, आतंकवाद खत्म किए बगैर लड़ाई नहीं रुकने वाली है। ये नेतन्याहू ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। उन्होंने पहले ही दिन से कहा था कि हमास का जब तक समूल विनाश नहीं कर देते, इजरायली फोर्सेस चैन की सांस नहीं लेगी। जब तक कि इसराइल के लोग खुद को सुरक्षित महफूज नहीं कर लेते, महसूस नहीं कर लेते, तब तक ये युद्ध जारी रहेगा और ये अटैक उन आतंकियों के खिलाफ है जिन्होंने इसराइल के खिलाफ धावा बोला था। तो ये एक बार फिर से ये बड़ा बयान इजरायली प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। सैनिकों के बीच पहुंचे थे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने, जहां उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच चुका है गाजा पट्टी, वहां के रहने वाले लोगों की, मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है और जिस तरह से तीनों दिशा से, चाहे वो जल थल नभ की बात कर लें, हर तरफ से इजरायल जोरदार अटैक कर रहा है गाजा को निशाना बनाते हुए।